नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। सदियों पहले के अखंड भारत की पहचान एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के रूप में थी जिसकी सीमाएं मौजूदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अपने आप में समेटी हुई थी। 10वीं शताब्दी तक मौजूदा अफगानिस्तान की एक हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान थी। इसके बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म ने इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा लिया, परंतु आज यह इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पहचान रखता है। सबसे खास बात यह है कि 300 साल पहले तक विश्व के नक्शे में अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। इस क्षेत्र का उल्लेख सबसे प्राचीन ऋग्वेद और महाभारत काल में भी मिलता है। गुरु गोरखनाथ गांधारी थे इस क्षेत्र के वसनीक। मौजूदा अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे जिन्होंने सदियों तक राज किया। यह सभी लोग वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर लंबे समय तक बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र विश्व के नक्शे पर नहीं था। अफगानिस्तान का चलन 1747 से 1773 में अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल में हुआ। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के दिखाए गए शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्ह तक मिटा दिए गए। इस क्षेत्र को पहले आर्याना, आर्यनुमर, विजू, पक्तिया, खुरासान, पश्तून खवा और रोह नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गंधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु प्रमुख क्षेत्र थे। सबसे अहम बात यह है कि गुरु गोरखनाथ पठान जाति से संबंधित थे। इतना ही नहीं, लगभग 3500 साल पहले एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करने वाले दार्शनिक जोरास्टर भी इसी क्षेत्र में रहते थे। 13वीं शताब्दी के महान कवि रूमी का जन्म महाभारत में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, महान संस्कृताचार्य पाणिनि का संबंध भी इसी क्षेत्र से था। ऋग्वेद में है पठानों का जिक्र। पठानों को पहले पक्ता पख्तून कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे खंड के 44वें श्लोक में पख्तूनों का वर्णन मिलता है और अफगान नदियों का उल्लेख भी मिलता है। अंग्रेजी शासन में पिंडारियों के रूप में अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग पठान और जाट ही थे। पठान जाट समुदाय का ही एक वर्ग है। कुछ लोग इन्हें बनी इसराइलियों का वंशज भी मानते हैं। महाभारत में गंधार और कंबोज का है उल्लेख। महाभारत में कंबोज और गंधार के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कंबोज के सुदर्शन और चंद्रवर्मन मुख्य हैं। गंधारी गंधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। वहाँ की राजकुमारी होने के कारण इसका नाम गंधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। पुरुषपुर मौजूदा पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। गंधार क्षेत्र की भेड़ों की ऊन बेहद उम्दा मानी गई है। वहीं वाल्मीकि रामायण में कंबोज, वाल्ही और वनायु देशों के श्रेष्ठ घोड़ों का उल्लेख है। वीर अर्जुन ने उत्तर दिशा की यात्रा के दौरान दर्द्रों या दर्दिस्तान के निवासियों से मिलकर कंबोजों को परास्त किया था। सम्राट अशोक के 5वें शिलालेख में कंबोज का गंधार के साथ उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह है कि गंधार कंबोज का ही हिस्सा था। कलार राजा ने की थी हिंदू शाही की स्थापना। 843 ईस्वी में कलार राजा ने हिंदू शाही राष्ट्र की स्थापना की थी। तत्कालीन सिक्कों से पता चलता है कि कई हिंदू या बौद्ध राजाओं का गंधार प्रदेश में राज था। यह लोग अपने आप को कनिष्क का वंशज मानते थे। इनमें कलार के पहले भी रुतविल, रणथल, सपालपति और लगतूर मान के नाम प्रमुख हैं। यहाँ पर हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहते थे। इन राजाओं में कल्लार, सामंतदेव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन राजाओं ने 350 साल तक अरब लुटेरों को सिंधु नदी पार कर भारत में घुसने नहीं दिया। 1019 ईस्वी में महमूद गजनी से त्रिलोचनपाल की हार के बाद यहां के इतिहास में बदलाव आ गया। चीनी यात्री युआन च्वांग ने इस क्षेत्र के बौद्ध काल का इतिहास लिखा। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने लगभग 6 माह का समय व्यतीत किया। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। सिकंदर के आक्रमण के समय फारस में हाखामनी शाहों का शासन था। आर्य काल में यह क्षेत्र अखंड भारत का हिस्सा था। इन राजाओं ने सोने के सिक्के भी चलाए। यह सिक्के इतने अच्छे थे कि 908 में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुतदीर ने वैसे ही देवनागरी सिक्कों पर अपना नाम अरबी में खुदवा कर नए सिक्के जारी करवाए थे। मौजूदा नदियों शहरों के नाम क्या थे पहले? मौजूदा समय में आमू, काबुल, कुर्रम, रंगा, गोमल, हरिरुद्ध नदियाँ,
अफगानिस्तान की पहचान है। प्राचीन भारतीय लोग इन्हें वक्षु, कुभा, कुरम, रसा, गोमती, हरियू या सरियों के नाम से जानते थे। वहीं मौजूदा शहरों काबुल, कंधार, बल्ख, वाखान, बगराम, पामीर, बदखशां, पेशावर, स्वात, चारसद्दा को प्राचीन काल में संस्कृत में कुंभा या कुहका, गंधार, वाल्हिक, वोकान, कपिशा, मेरू, कंबोज, पुरुषपुर, पेशावर, सुवावस्तु, पुष्कलावती के नाम से जाना जाता था। मौजूदा बगराम हवाई अड्डे वाला क्षेत्र कभी कुशानों की राजधानी था, उसका नाम कपीसी था। प्राचीन अवशेष हैं यहाँ संग्रहित। सुर्ख कोतल नामक जगह में कनिष्क काल के भव्य खंडर भी देखे जा सकते हैं। इन्हें आजकल कोहना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। पेशावर और लाहौर के संग्रहालयों में इस काल की विलक्षण कलाकृतियाँ आज भी संग्रहित हैं। बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख स्थानों में अनेकों मूर्तियां, स्तूप, विश्वविद्यालय और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। काबुल के असामाई मंदिर को 2000 साल पुराना माना जाता है। काबुल का संग्रहालय बौद्ध अवशेषों का खजाना रहा है। बामियान की सबसे ऊंची और विश्व प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा को लगभग नष्ट कर दिया गया है। सो दोस्तों, ये थी एक ऐसे हिंदू राष्ट्र से जुड़ी जानकारी जो आज इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पहचान रखता है। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।